पहली बार देखिए भारत से कितना डरता है चीन। पूरी दुनिया हुई हैरान। मोदी सरकार ने जासूसी जहाज पर बड़ा एक्शन लिया। चीन के छूटे पसीने। भारत ने श्रीलंका को भी हड़काया। भारत ने चीन को पटक पटक कर धोया। श्रीलंका की आड़ में भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है चीन। दोस्तों, राजनीति में अपना दुश्मन सोच समझकर बनाना चाहिए और दोस्त बनाने से पहले तो हजार बार सोचना चाहिए। शायद श्रीलंका को आखिरकार ये बात समझ आ ही गई है। बीते कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि कुछ दिन पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का जहाज आने वाला है और चीन का ये जहाज यहाँ 6 दिन रुकने के बाद आगे बढ़ता है। हालांकि चीन ने अपने इस जहाज को एक ट्रांसपोर्टेशन पोत के रूप में क्लासिफाइड किया था, लेकिन एक भारतीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये एक दोहरे उपयोग वाला जासूसी जहाज है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका की वर्तमान हालत का जिम्मेदार कोई है तो वो चीन है। राजपक्षे परिवार को अपनी उंगलियों पर नचाकर चीन ने श्रीलंका का बेड़ा गर्क कर दिया और इस द्वीप राष्ट्र को कर्ज के मकड़ जाल में कुछ ऐसा फंसाया कि उससे निकलने में इसे अब दशकों लग जाएंगे। वहीं भारत दुनिया भर के हर मंच से चीन की ऐसी हरकतों पर प्रतिक्रिया देता आया है। इसी बीच भारत के प्रति अपनी कुंठा के लिए मशहूर ड्रैगन ने श्रीलंका की आड़ में भारत विरोधी एजेंडा चलाने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने इसे इस बार ऐसा लपेटा है कि वो भविष्य में कुछ भी करने और बोलने से पहले 101 बार सोचेगा। दरअसल हाल ही में चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर करीब 1 सप्ताह के लिए अपना युद्धपोत यानी वॉरशिप युआन वांग 5 को लाकर खड़ा कर दिया था। इसके पीछे चीन का लक्ष्य भारत की जासूसी करना था। ऐसे में उसने कुछ दिनों के लिए चीन के जासूसी जहाज ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर डेरा डाला। हालांकि भारत ने ड्रैगन की किसी भी चाल को नाकामयाब कर दिया और अपने अंदाज में चीनी जहाज का ऐसा भेजा फ्राई किया कि जिस मिशन के लिए ड्रैगन ने अपना जहाज भेजा था उसमें वो पूरी तरह से नाकामयाब हो गया। दरअसल दोस्तों, युआंग 5 एक दोहरे उपयोग वाला जासूसी ट्रांसपोर्टेशन वाला जहाज है जो अंतरिक्ष और उपग्रह ट्रैकिंग के लिए डिजाइन किया गया है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट में सही उपयोग के साथ है। ये मिसाइलों और रॉकेटों के टेस्ट और ट्रैकिंग को सपोर्ट करने के लिए शीर्ष एंटीना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ एक अच्छी मिसाइल रेंज वाला इंस्टीमेशन जहाज भी है। ऐसे जहाज मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए चीन, फ्रांस, भारत, रूस और अमेरिका की नौसेनाओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ऐसे में चीनी जहाज युआन वांग 5 एक शक्तिशाली ट्रैकिंग पोत है जिसकी महत्वपूर्ण हवाई पहुंच साफ तौर पर लगभग 750 किलोमीटर है। इसका अर्थ है कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई बंदरगाह चीन के रडार पर हो सकते हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जासूसी किए जाने का खतरा हो सकता है, क्योंकि हम्बनटोटा से भारत के कई परमाणु संयंत्रों की दूरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में भारत की बड़ी जासूसी का खतरा था। यही वजह है कि भारत सरकार ने जहाज की श्रीलंका में आने को लेकर श्रीलंका सरकार से आपत्ति जताई थी, जिसके बाद से केंद्र सरकार इस पर लगातार नज़र बनाए रखे थी और आखिर में आकर अब श्रीलंका सरकार ने चीन के जासूसी जहाज को लेकर भारत की स्थिति पर गंभीरता से विचार करते हुए चीन से अपने जासूसी जहाज युआन वांग 5 के आगमन को टाल देने के लिए कहा। ऐसे में दोस्तों, श्रीलंका का भारत के पक्ष में लिया गया ये फैसला चीन पर भारत की बड़ी कूटनीति जीत है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद अब श्रीलंका ने फिर से चीनी जहाज को हम्बनटोटा में आने की अनुमति देकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का उदाहरण दिया है। भारत का नाम लिए बिना चीनी राजदूत ने कहा था कि साफ तौर पर सुरक्षा चिंताओं पर बाहरी रुकावट वास्तव में श्रीलंका की संप्रभुता और स्वतंत्रता में पूरी तरह से दखलंदाजी है। तो दोस्तों, ऐसे में अपने इस बयान के माध्यम से चीन ने भारत को एक अतिक्रमणकारी देश के तौर पर दिखाने की कोशिश की, जबकि चीन खुद अपनी विस्तारवादी नीति के कारण बदनाम है। ऐसे में भारत को चीन का ये उठपटांग बयान जरा भी रास नहीं आया और भारत ने अपने हाई कमीशन के माध्यम से ऐसी खरी खोटी सुनाई जिसे चीन कभी भूल नहीं पाएगा। आपको बता दे दोस्तों
कि श्रीलंका के उत्तरी पड़ोसी के बारे में उनका रवैया उनके अपने देश के व्यवहार से प्रभावित हो सकता है। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि चीन की स्ट्रेटजी और कर्ज से प्रेरित एजेंडा खास तौर पर छोटे देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और हालिया हुई चीजें इसकी चेतावनी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के द्वारा शुरू से ही चीनी जहाज को श्रीलंका के बंदरगाह पर भेजने को लेकर आपत्ति जताई गई थी। श्रीलंका ने पहले तो चीनी जहाज को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन श्रीलंका करता तो क्या करता, ड्रैगन ने उसे कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया, ऐसा जकड़ कर रखा कि अंत में श्रीलंका को चीनी जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर तैनाती की अनुमति देने को मजबूर होना पड़ा। वो ऐसी बार पहला बार नहीं कर रहा जब भारत द्वारा चीन को इस अंदाज में करारा जवाब दिया गया। हालांकि चीन ने भारत की आपत्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो जहर उगला वो उसकी तिलमिलाहट को साफ दिखा रहा है। ऐसे में दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की चालाकी का जवाब देते हुए भारत ने उसके जहाज के खिलाफ सैटेलाइट सिग्नल शील्ड लगा दी थी। भारत की ओर से कोई भी संदेश सिग्नल शील्ड से आगे नहीं जा सका। वहीं भारत ने चीन को गुमराह करने और बिजी रखने के लिए चीनी इंटरसेप्टर के लिए फर्जी संदेशों का सहारा लिया और इसके जरिए चीनी जहाज का भेजा फ्राई करके रख दिया। भारत की इस रणनीति के आगे ड्रैगन बेबस हो गया। चीन का अपने जहाज द्वारा भारत की जासूसी करने का मिशन फेल हो गया और इसलिए बौखलाहट में ड्रैगन अन्य देशों के जरिए अपना भारत विरोधी एजेंडा चलाने में जुटा हुआ है। ऐसे में जिस चीन को कभी दोस्त मानकर श्रीलंका ने भारत के खिलाफ कई बार बयान दिए, उसी चीन ने श्रीलंका की हालत खस्ता कर दी है। लोगों के पास ना पेट भरने का भोजन छोड़ा और ना ही उनकी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब उनके पास धन है। जब श्रीलंका के पुराने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने दिसंबर 2021 में बीजिंग से मदद मांगी, क्योंकि उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक में कर्ज को कम करने का अनुरोध किया था, तब चीन ने श्रीलंका पर अपने भारी कर्ज के बोझ को कम करने की श्रीलंका की अपील को भी ठुकरा दिया और कहा था कि देश में आपातकालीन की स्थिति पैदा होने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका मौजूदा कठिनाइयों को दूर करने, स्थिरता बहाल करने, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और लोगों की आजीविका में जल्द से जल्द सुधार करने का प्रयास करेगा। इसके बाद चीन ने श्रीलंका के संकट काल से अपना पल्ला झाड़ लिया था। वहीं दूसरी ओर भारत भोजन, ईंधन और दवाओं की कमी से जूझ रहे संकटग्रस्त श्रीलंका की मदद करने के अपने कर्तव्य से ऊपर चला गया। ऐसे में अब श्रीलंका भी समझ गया है कि जितनी सहायता उसकी भारत ने की है उतनी कोई भी नहीं कर सकता था। साथ ही जालसाज चीन भारत की दोस्ती श्रीलंका के पक्ष में नहीं होने देता। इन्हीं कारणों पर विचार करके श्रीलंका की सरकार ने चीन के जहाज को अभी हम्बनटोटा पर भेजने से रोक दिया है। हालांकि ये सच है कि श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह अगले 99 सालों के लिए चीन को लीज पर दे रखा है। लेकिन दोस्तों भारत का श्रीलंका जो है वो दोस्त एक वफादार और सच्चा दोस्त है। ऐसे में दोस्तों चीन को मिर्ची लगना शुरू हो गई है। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।